नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एम में। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो पे लेके आया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज़ में मैं चलाने जा रहा हूँ, साइंस की सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ। इस पहले पार्ट वन में तो मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ, अगले पार्ट वन पे भी पार्ट टू पार्ट थ्री में लाते रहूँगा क्वेश्चन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यह है नील हरित शैवाल। जो ये नील हरित शैवाल है, इसे यही मतलब हमारे यूनिवर्स में सबसे पहला है। इसी ने सूर्य के प्रकाश में खाना बनाया और ऑक्सीजन, और जिससे ऑक्सीजन मिली, यह है नील हरित शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें तो समझाने वाली बात तो है नहीं, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो याद रखें, एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, अगर कीटों के बारे में जहाँ हम कोई अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, वैसे ही अगला पॉइंट आ है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। तो ये भी पढ़ने वाला ही है, जो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो पौधा होता है उसके तने वाले पार्ट में क्या होता है? हल्दी प्राप्त होता है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, उसके जड़ वाले पार्ट में होती है हल्दी। वो एक्चुअली जड़ वाला पार्ट नहीं होता, वो होता है उसका तने वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो ये है आपकी मतलब हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? वो होती है तने से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? बना है मतलब हमारे शरीर का जो अधिकतम पार्ट है वो किससे बना है? वो है आपका जल से। सॉरी, अधिकतम भार है, सबसे ज़्यादा वेट किसका है हमारे शरीर में? तो है जल का। तो आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे जो बॉडी में लगभग 70%, कितना? 70% वाटर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? अब ये क्वेश्चन है, अब कोई लोग कह देगा कि हाँ, इसमें ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन से लिखा है ये, इसमें ऑप्शन 277 केल्विन था। अभी कैसा है ये, मैं इस चीज़ को आपको बहुत डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, उसने पूछा है हमसे यहाँ पे, हमारे जल का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जल का अधिकतम घनत्व, तो अगर हम जो जल होता है हमारा का अधिकतम घनत्व, जो घनत्व तो होता है वो होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसने तो कैलविन में पूछा है, तो 277 कैसा आया ये मैं बता देता हूँ। अगर मुझे कैलविन में निकालना है, तो कैलविन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, 273 जोड़ देते हैं केल्विन में बदलने के लिए। और क्योंकि ऑप्शन में, वहाँ जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन में 273, 274, 270, इस टाइप से केल्विन लिखा, तो इसलिए मैंने टोटली समझाने के लिए 277 K लिख दिया, ताकि आपको स्टार्टिंग वीक पॉइंट भी पता चल जाए इस चीज़ का, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता चल जाए। ठीक है, तो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। केल्विन को अगर हमें बदलना पड़ा, हमें डिग्री सेल्सियस दिया है, और अगर हमें केल्विन में बदलना है, तो उसे हम 273 जोड़ देते हैं। अब केल्विन की जगह पर आ जाएगा आपका 4 प्लस 273 इक्वल टू 277 K। ये आ गया आपका, केल्विन में बदल चुका है ये। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होंगे तो आप किसको राइट करेंगे? 273, क्योंकि नॉर्मली सबको ये तो पता रहता है कि जल का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस होता ही होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए, अगर उसने 277 या 276, 278 इस टाइप के ऑप्शन में दे दिया, तो आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जल का अधिकतम घनत्व तो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने क्या करना है, कैलविन में
4 डिग्री सेल्सियस जोड़ना है, और उसमें कितना जोड़ देना है, 273, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? ठीक है, नदी में, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है, क्यों होता है? अब मैंने इस पे लिखा है समुद्र का जल नमकीन होता है। आप लोग, कुछ लोग सुन गए अभी, यार इससे क्या लिंक कर गया, लेकिन इसी से लिंक करता है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड होता है और जो अन्य लवण होते हैं समुद्र के जल को क्या कर देते हैं, वो नमकीन बना देते हैं, नमकीनी बना देते हैं। और उस नमकीनी जल के कारण क्या हो जाता है, उस जल का क्या हो जाता है, घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, घनत्व तो बड़ा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें, और उसमें घनत्व तो बढ़ जाता है, और उसमें जो उत्प्लावकता होती है, उत्प्लावन बल आपने देख सुना होगा साइंस में, तो वो अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें तैरना आसान हो जाता है नदी की अपेक्षा। अब नदी की अपेक्षा, जब नदी का पानी का घनत्व तो कम होगा, तो उसमें हम उतनी आसान से नहीं तैर पाएंगे ना। समुद्र के पानी में क्या होता है, नमकीनी होने के कारण उसमें अन्य खनिज लवण और सोडियम क्लोराइड मिलने के कारण उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, और जिससे हम उसमें समुद्र में आसानी से तैर जाते हैं, डूबने के चांसेस उसमें कम होते हैं, क्योंकि वो उसका घनत्व ज़्यादा होता है समुद्र के पानी का। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है, मतलब कौन सा है? अब केंद्रीय बल, आपने देखा स्टार्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में देखा जाता है मथने के पश्चात। अगर हम दूध को मथ देंगे तो, मतलब मथने का मतलब उसको मथ देंगे, आप समझ लीजिए, तो मथने के पश्चात क्रीम दूध से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो किस बल के कारण होते हैं, अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। ठीक है, तो मशीन होती है, उसको दूध में डुबाया जाता है, और वो उसमें स्टिक टाइप की होती है, वो जो गोल घूमती है, जिससे अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है और क्रीम ऊपर आ जाती है हल्की, और क्रीम को दूध से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है, किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो आपको याद रखना है 320 से 400 नैनोमीटर तक जो ऊर्जा प्रति क्वांटम होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो आपको ये चीज़ तो याद रखनी ही पड़ेगी, जो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है वह है बेकुरेल ने। ठीक है, बेकुरेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया। ठीक है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी UPPCS में एक बार। अगला पॉइंट है हमारा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई ठोस वस्तु, वो होते हैं मतलब जो एक पदार्थ, उसकी 3 स्टेज होती है नॉर्मली, द्रव गैस ठोस, या ठोस द्रव गैस, मतलब सबसे पहले सॉलिड होगा, उसके लिक्विड, उसके बाद गैस। तो इसमें क्या होता है, जो जो होता क्या है, सबसे पहली स्टेज होती है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज ना होकर सीधे किस में हो जाता है, सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है, हो जाता है। मतलब होना क्या चाहिए, जैसे कि बर्फ है, बर्फ अगर सॉलिड में है तो उसके बाद किस में चेंज होती है, लिक्विड में, पानी बन जाती है ना, तो और पानी से कहाँ वाष्प वाष्पन हो जाती है, मतलब गैस में चेंज हो जाती है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सॉलिड का सीधे गैस में चेंज होना हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसमें क्या, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, क्योंकि जो ठोस कपूर होता है उसको गर्म किया जाता है या जलाया जाता है, तो सीधे वो लिक्विड में चेंज ना होकर किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको बता दूं कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग, मिश्रण में अगर कोई पदार्थ है उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, कोशिश यही करूंगा कि अगली वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट जितने भी केमिकल्स नेम है उसकी डिटेल आपको दे सकूँ। ठीक है, तो अगला है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत बार एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है, आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जो सूत्र है उसे क्या होता है, कैल्शियम मतलब CaCl,
कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, वो है CaCO3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H2 से डिनोट किया जाता है इस टाइप से, और विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी या फिर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगी होगी, तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।